हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाइपर क्लासेस पर। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन से पार्ट फोर देखेंगे और ये वीडियो आपका जो है सुबह 5 बजे आता है, तो आप दिन में कभी भी टाइम मिले सुबह अगर उठते हैं 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो अपना जो है आधा एक घंटा मेरे साथ व्यतीत कीजिए। धीरे धीरे आपकी मैथ इम्प्रूव होती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि NTPC ग्रुप डी का अभी एग्जाम थोड़ा लेट है, तो मार्च में ऐसा कुछ आ रहा है कि फरवरी लास्ट या मार्च में ऐसा होगा, तब तक हम मैथ को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग 3D पार्ट पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन में 2D हमने लोगों ने पढ़ा, मैंने पहले वाला जो लेक्चर दिया था उसमें सारी थ्योरी कवर कर ली थी और दो लेक्चर में मैंने BIP क्वेश्चंस कराए हैं। और 3D मींस क्या होता है? आयतन। 3D मींस आयतन, 2D मींस होता है क्षेत्रफल। उसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, इसमें हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और जिन लोगों को लेक्चर टाइम से नहीं मिल रहा है वो अपना जो सब्सक्राइब किए हैं चैनल, वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। वो जो बेल होता है बना हुआ बेल, तो उसको जरूर टच करना, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है आपको। चलो अब हम लोग सीख लेते हैं, कुछ डायग्राम्स है उनको देख लेते हैं। तो देखो, जैसे पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज घन घनाभ, ये भी आयतन में ही आता है, घन और घनाभ। घन सीखना है और घनाभ सीखना है। घन घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक। घन घनाभ सीखते, देखो कैसी आकृति होती है, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाया और फिर एक ये बना दिया, ठीक। अब आप देखो, मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया और फिर हमने इसको यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ये किसका काम करेगा? ये घन का काम करेगा। घनाभ कैसा होगा ये देखिए, घनाभ दिखाते हैं। देखिए घनाभ कैसा होगा, इसको हम लोग यहाँ पर टच कर देंगे, ये यहाँ पर टच कर देंगे और ये यहाँ पर टच करेंगे, तो ये जो आपका जो बना हुआ है ये घनाभ का जैसा है ना, तो इसको घनाभ की आकृति देंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई घनाभ कैसे बन गया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा, सारी भुजाएं इक्वल होंगी। अगर इसकी भुजा की लंबाई a है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी। इसमें ये एल होती है और ये बी होती है और ये जो हाइट है ये एच होती है, ठीक है। ये आपका घनाभ है और ये आपका घन है, ठीक है। ये क्या है? घनाभ है और ये घन है। ठीक, अब देखो ये जो वर्ग होता है, वर्ग जैसे सारी भुजा इक्वल होती है और ये आयत के फॉर्मेशन से बना हुआ है, ठीक है। इसमें आयतन, अगर आपसे पूछे कि भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, क्या पूछे घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आपको सिंपल बताना एल बी एच, भाई एल गुणे बी गुणे में एच, बस घनाभ का आयतन। तो सेम इसी प्रकार अगर आपको घन का आयतन पूछे, क्या पूछे घन का आयतन पूछे, तो आपको करना ए गुणे ए गुणे ए, जब 3 बार एक ही गुणा करोगे तो ए क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछे कि भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे बताएंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए या कुल क्षेत्रफल कहा जाए, दोनों एक ही बातें होती है। तो इसका होता है 2LB BH और HL, ठीक है। देखो याद करना बड़ा आसान है, पहले एल गुणे बी करो, फिर बी गुणे एच करो, फिर गुणे एच गुणे एल करो, देखो फिर एकदम से बन गया एल गुणे बी, बी गुणे एच गुणे एल। देखो एल गुणे बी, बी गुणे एच गुणे एल, और दो पहले ही रखना है क्योंकि दो दो साइड है, जैसे एल गुणे बी इधर भी है, उस साइड में एल है और ये बी है, तो इन दोनों की दो दो साइड बनती जाके, जैसे एक छत भी होती है और एक फर्श भी होती है, दोनों की लंबाई चौड़ाई तो समान ही रहती है, तो इसलिए दो दो है, वो दो कॉमन ले लिए गए, ठीक है। तो ये 2L+B। अच्छा, इसमें अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बातें एक ही है, ठीक है, घनाभ का अगर क्षेत्रफल पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। घन का क्षेत्रफल पूछे तो ये, अब देखो अगर हम घन में तो सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, अगर हम ए ए यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सारी भुजाएं इक्वल हैं, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अंदर बनेगा 3A² और 2 से गुणा कर दोगे 3 × 6,
ए स्क्वायर, 3 × 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें रखी जा सकने वाली अधिकतम बड़ी से बड़ी छड़ क्या होगी, मतलब बड़ी से बड़ी छड़ की मतलब है कि यहाँ से इस कोने से लेकर और इस कोने तक रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़, उसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, अंडर रूट, आयत था तब केवल इतना था एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ऊंचाई भी है तो इसको भी ले लें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इसके विकर्ण की बात करेंगे, घन के विकर्ण की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो घन का विकर्ण होता है ए रूट थ्री, कितना होता है भाई ए रूट थ्री होता है, ए रूट थ्री, ठीक है, ए रूट थ्री होता है आपका घन का विकर्ण। यहाँ पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, थ्री बार ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया लेकिन तीन बाहर नहीं आ पाया। देखो मेरे साथ आप स्टडी करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होता है, ठीक है, मैं आपको कोई फालतू बात नहीं करता हूँ, बाकी स्टडी से रिलेटेड ही, और ना ही कमेंट के इधर उधर का बकवास करता हूँ, ठीक है, कि इनका आंसर उनका आंसर, बस टू द पॉइंट की स्टडी होती है अपनी अपने, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। चलिए तो ये था अपना मेन मुद्दा कि हमको क्या करना है, एक तो ये याद रखना है और एक ये रखना है, तो तीन इधर के छह फार्मूले बने जो कि आपको याद हो गए होंगे, एल बी एच, और इसको ध्यान रखना क्षेत्रफल घनाभ का, टू एल बी बी एच एच एल होता है और विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसी की सहायता से ये वाले फार्मूले बने हैं, ए क्यूब सिक्स ए स्क्वायर ए रूट थ्री, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, बस पहले हमें थ्योरी कवर करा लेने दो, उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक घन की भुजा 10 है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो ए रूट थ्री मतलब 10 अंडर रूट तीन इसका विकर्ण होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया, उसको पिघलाकर वो बनाया गया, तो वो क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि भाई घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हम लोग तभी जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, इसका आयतन होता है एल बी एच, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 एल बी बी एच और HL होता है, और इसका विकर्ण होता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, इसका आयतन होता है A क्यूब 6 A स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल कहो या केवल क्षेत्रफल कहो, इसका विकर्ण होता है A रूट 3, ठीक है, इतना आप सभी लोगों को कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं भाई। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेलन, क्या पढ़ रहे हैं बेलन, ठीक, देखिए बेलन हम बनाते हैं आपके, बेलन कैसा होता है वो चीज देख लो। तो बेलन के लिए हमें दो डंडे लेने पड़ेंगे, ये ले लिया और एक और ले लेते हैं ये, ठीक है, इसमें हमें ठीक है, तो ये आपका बेलन का काम करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेलन कहते हैं, क्या कहते हैं बेलन। तो आपने देखा होगा ये बेलन ऐसे ही होता है, आपका जो ड्रम होता है जिसमें केरोसिन का तेल आता है, मिट्टी का तेल आता है, तो वो ऐसे में ही आता है, ठीक है, तो आपसे क्या क्या इससे क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताएं। एक तो आएगा आयतन कि भाई इसका आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो ध्यान रखना है पाई आर स्क्वायर एच। आपने पीछे पढ़ा होगा कि भाई एक वृत्त होता है कुछ, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो नीचे से देखो अगर ये वृत्त जैसा ही ऊपर उठते चला आया है तो केवल जो इसकी जो बड़ी है वो वृत्त में क्या बड़ी है, इसकी वृत्त की हाइट बढ़ गई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर उसमें एच से गुणा कर लेंगे तो वो क्षेत्रफल आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई ना, इसमें कोई चीज भरी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इसमें दो क्षेत्रफल होते हैं, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल एक कुल क्षेत्रफल होता है, तो भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, बेलन का जो परिधि थी वो थी 2 पाई आर, और इसके जो चारों तरफ ऐसे ऐसे उठता चला आया है ये बेलन बना था, तो ये ऊंचाई भी एच कर दी गई, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आप क्या बताओगे, टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो 2 पाई आर एच तो लेने पड़ेगा,
प्लस टोटल सरफेस एरिया में जब आपने देखा होगा जो बेलन होता है वो ऐसे होता है कुछ, उसमें क्या होता है, उसमें एक टॉप होता है एक बॉटम होता है, जैसा टॉप होता है वैसे बॉटम होता है ना ऐसे करके। तो ये बॉटम है किस आकार का, वृत्ताकार का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे कितने हैं, कितने बार वृत्त हैं, दो बार, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 2πr² आप चाहो तो यहाँ से 2πr कॉमन ले सकते हो, तो 2πr कॉमन ले लिया इधर बचा एच और इधर 2πr कॉमन ले लिया एक आर बचा, तो हम लोग टोटल सरफेस जो एरिया बोलते हैं वो 2πr और ब्रैकेट में बोलते हैं एच प्लस आर, 2πr और ब्रैकेट में क्या बोलते हैं एच प्लस आर, ऐसा बोलते हैं हम लोग 2πr एच प्लस आर बोलते हैं ठीक। अब ये चीज ध्यान रखना है आयतन में, आयतन में आपने क्या क्या सीखा फिर से बता देते हैं, एक आयतन होता है बेलन का, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन हो गया। टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि लिटरल, अगर आपसे पूछे लिटरल सरफेस एरिया तो इसी का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक टोटल और कुल ना लगाया जाए तब तक आपको यही वाला आंसर देना है, जब लगा दिया जाए टोटल या कुल तो फिर आपको ये वाला आंसर देना है। पाई आर एच होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस लिटरल यानी कर्व पूछे तब भी अपना आंसर यही होगा, कर्व वाला मतलब ये वाला जो हम लोग बाहर बाहर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं ड्रम के वो होता है कर्व ठीक है। अगर आपसे पूछे टोटल, टोटल में ये भी आ जाता है ये भी आ जाता है, टोटल पूछोगे तो 2πr ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, बेलन में आपको इतना जानना है ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमको देखना है ठीक। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट में पढ़ेंगे सम, यहाँ पर सम पढ़ लेते हैं। आपने जो बर्थडे की कौन देखी होगी, जो टोपी होती है बर्थडे की वो आपका सम का काम करती है, आपने देखा होगा जो कैप, अभी हम आपको बना के दिखाते हैं देखो कैसी होती है। ठीक है जी, और सर ले जाके इधर कर देंगे और इसको ले जाके इधर कर देंगे। तो ये जो आपका बना है ये शंकु बना है ठीक है, क्या बना है शंकु, आपने देखा होगा ये शंकु होता है। अगर इसके हाइट की बात कर लें, क्या कर लें इसके हाइट की बात कर लें, तो इसकी हाइट ये होती है, ये इसकी हाइट होती है ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या की बात कर लें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, इसकी त्रिज्या ये त्रिज्या इसकी हो जाएगी ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी ठीक। इतनी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो देखो ये शंकु जैसा ही आपने, आप देखो ये जो इसकी है इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, इसको यल से लिखा जाता है, किससे यल से, और ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी आर होती है। बेलन में अगर आर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाली आर हो जाती है ठीक। तो आपसे क्या पूछेंगे भाई, पहले तो इसका यही सवाल आंसर हो जाएगा कि भाई इसका आयतन क्या है, तो इसका आयतन जो आपने बेलन का आयतन याद किया है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो बेलन के 1/3 के बराबर ये होता है। जैसे ये बेलन बना हुआ है, बेलन के ये 1/3 जैसा ही होता है, जैसे यहाँ से अगर हम काट लें इस शंकु को तो 1/3 इसे बट जाता है, इधर इधर कट जाता है, तो 1/3 हिस्सा होता है ये बेलन का, तो 1/3 हिस्सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके कर्व सरफेस या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो चीज़ देखो, कर्व सरफेस या लिटरल सरफेस एरिया ये क्या होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल होता है। अब ये एल कैसे निकलेगा अभी हम आपको बताएंगे पाई आर एल ठीक। और अगर आपसे पूछे कि भाई इसका इसका कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो पाई आर एल तो लेना पड़ेगा प्लस देखो अब इसका आधार कैसा है वृत्ताकार है, लेकिन जैसा नीचे क्या वैसा ऊपर है नहीं, केवल एक नीचे वृत्त है तो केवल पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। अब चाहो तो आप इसमें पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस पाई आर कॉमन चला गया, यहाँ आर बचा, तो पाई आर एल प्लस आर, और जो बेलन का था वो था 2πr इंटू में एच प्लस आर ठीक है, यहाँ पर क्या है पाई आर एल प्लस आर है ठीक है, दिस इज द माइनर डिफरेंस। देखो अब आपने क्या याद कर लिया बेलन शंकु से, शंकु में आपने याद किया आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर एल बकरी से यानी कि ये वाला गोल वाला जो घुमा घुमा है वो होता है, जैसे इस टाइप के आपने तंबू शंकु भी देखा होगा, इस टाइप के मंदिर भी बने होते हैं, प्रिज्म पिरामिड जैसा ही ऐसा है कुछ आता है ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, और निकाला कैसे वो भी आप जान लो, पाई आर और पाई आर एल प्लस पाई आर जोड़ देंगे। अच्छा
अब देखो यल कैसे निकलेगा, ये तरशीव चाहे, देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण यानी कि यल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, चाहे तो लंब ले लो चाहे आर ले लो, चाहे तो ले लो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले लो और अंडर रूट लगाओगे तो यहाँ से आपको दो हटाने पड़ेंगे ये वाले, ठीक। तो यल कैसे निकलेगा आपने देख लिया कि यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि हाइट का वर्ग और प्लस त्रिज्या का वर्ग, ये बिल्कुल वहां पर पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वही लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय ही लग रही है। तो ये है आपका शंकु, आई थिंक आपने शंकु को अच्छे से सीख लिया है। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया, बेलन पिघला घन बनाया गया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस के, पहले आपको हमें थ्योरी बताने की जरूरत लगती है, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट डायग्राम, अब हम लोग पढ़ेंगे गोला स्फेयर, गोला पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे गोला, तो गोले में आप देख लीजिए गोला कैसे पढ़ेंगे, गोले में देखिए क्या क्या आता है, जैसे गोला एक बना लेते हैं, ये आपका गोला है, ठीक है, ये आपका गोला कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप जानते हैं ऐसे करके यहाँ पर रहता है, ये गोला है और इसको हम लोग गोला कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बाकी गोला बनाने, गोला 3D है, 3D चीज़ें बनती नहीं है बोर्ड पे, फिर भी ये गोला है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर ये इसकी R हो जाएगी, ठीक है। गोले का आयतन पूछा जाए अगर आपसे, जैसे तरबूज देखा ना वाटरमेलन, वो गोला होता है और जो पहिए होते हैं वो गोल नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा साइकिल मोटरसाइकिल के पहिए गोल नहीं होते हैं, कहते सुना होगा, लेकिन वो वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सिक्का है रुपया है वो गोल नहीं है, वो वृत्ताकार है। गोल क्या चीज़ होती है, जैसे गेंद, जैसे तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीजें गोल होती हैं, ठीक है। कुछ कद्दू भी गोल होते हैं, कुछ आदमी भी गोल होते हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां भी गोल होती हैं, ठीक है, कोई नहीं, जो चीजें गोल है, ठीक है। देखो पृथ्वी भी गोल है, सारी दुनिया गोल है, ठीक है। तो आयतन इसका निकालेंगे तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है पाई आर क्यू, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होती है, जितनी ये ऊंचाई है उतनी वो त्रिज्या है, त्रिज्या ही ऊंचाई बन जाती है, इसीलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच नहीं आया, एच किसका काम कर गया, एच ऊंचाई का काम कर गया, इसीलिए इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा ठीक है, अच्छा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या टोटल सर्फेस एरिया कहें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, क्या कहें, दोनों एक ही बातें होती है, वो क्या होती है 4πr² क्या होता है 4πr² होता है, चाहे तो आपको टोटल सरफेस एरिया कहें चाहे तो कुल कहें, तो वो जो होता है वो दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है, आप 4πr² इसका आंसर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें पृष्ठीय में मिस्टेक हो रहा है, ये चीज देखो पृष्ठीय, एक मिनट, ये पृष्ठ, अगर हमको पृष्ठ लिखना है तो कैसे लिख लेंगे, हिंदी देख लें, बाकी मैथ के टीचर है कितना कोई डिपेंड नहीं, ये पृष्ठ लिख गया, ठीक है, ये पृष्ठ लिख गया, पृष्ठीय लिखोगे तो यहाँ पर ई लगा दोगे बस, ठीक है, वो उसमें हम नीचे रा टांग रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब टोटल सरफेस एरिया और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही है, पाई आर स्क्वायर है, बस बेलन और इसमें गोला में आपका इतना ही है। अब बात कर लें कि भाई अर्धगोला कैसे बनाओगे, भी अर्धगोला बनाते हैं, ये अर्धगोला भी इसी साथ डिस्कस कर लेंगे, ये है आपका अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले में वही त्रिज्या आपकी आर रहेगी, तो इसका जो आयतन होगा वो हो जाएगा आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन में आधा कर लेंगे भाई, अर्धगोला है तो आयतन आधा कर लेंगे, दो से जब भाग करेंगे तो 4 से 2 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr², ठीक है, 2πr² हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पहले था 4πr, 4πr का आधा 2πr, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछोगे तो वो चेंज हो जाएगा,
टू पाई आर में केवल इतना आया, और ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है ये भी हमको लेना पड़ेगा। ये भाग कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार टोटल सरफेस एरिया में हम लोग और जोड़ देंगे, टू पाई आर स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, तो दोनों को मिला के पूछेंगे थ्री पाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है भाई ये थ्री पाई आर स्क्वायर क्या है। ये अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया है, ये अर्ध गोले का क्या है? टोटल सरफेस एरिया है थ्री पाई आर स्क्वायर। देखो चार है यहाँ, चार का आधा नहीं है, चार का आधा होता है पृष्ठी क्षेत्रफल, लेकिन अगर कुल पृष्ठी क्षेत्रफल पूछोगे तो अर्ध गोले का अलग होता है, वो होता है थ्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बात इतनी जान लेनी चाहिए। आई थिंक इतना सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये थ्योरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इससे रिलेटेड और भी चीजें आती रहेंगी, उसमें जो अर्धगोला है, खोखला गोला है, ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस में भी क्लियर कर लेंगे। ठीक, और यहीं से ज्यादा जो है संभावना है बनने की आपका क्वेश्चन, इन्हीं डायग्राम को लेकर जो क्वेश्चन बनेगा वो। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे आपके होते हैं प्रिज्म और पिरामिड। ये प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड कुछ इस शेप में आएंगे, जैसे उनका उनका आधार कैसा भी हो सकता है, ये जैसे होते हैं सब ऐसे करके, इसको हम लोग कहते हैं जिसमें ऊपर कोन होती है, जिसमें ऊपर कोन होती है उसका नाम होता है पिरामिड। क्या होता है नाम? उसका नाम होता है पिरामिड। ठीक है, और जिसके ऊपर दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, तो उसका जो नाम होता है वो नाम होता है प्रिज्म। क्या नाम होता है? प्रिज्म। उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये पिरामिड होता है, वो प्रिज्म होते हैं। अब देखो इसमें जैसे हमारा जो बेलन है वो प्रिज्म का काम करता है, जो शंकु है वो पिरामिड का काम करता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, जैसे आप देखते हैं कि जो भी बेलन है जो वो आपका प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है? प्रिज्म का, बेलन, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रिज्म का आयतन क्या होगा, किसका आयतन? प्रिज्म का आयतन, क्वेश्चन भी लगवाएंगे, तो प्रिज्म का, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप अगर हम इनमें आपसे पूछें कि भाई ये पाई आर स्क्वायर क्या है, तो आप जानते हैं ये पाई आर स्क्वायर क्या है, तो क्या बताएंगे भाई ये पाई आर स्क्वायर क्या है? तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और इस वृत्त का कहाँ है इसमें? ये नीचे है, देखो ये आधार है, ये आधार है, आधार क्या है? पाई आर स्क्वायर, या और इनटू में क्या है? एच है, इसका मतलब एच क्या है? ऊंचाई। तो हम लोग कह सकते हैं बेलन का जो क्षेत्रफल है वो हो सकता है आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। जो बेलन का जो आयतन होता है वो होगा क्या? आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, आधार जैसा। सेम इसी प्रकार प्रिज्म काम करता है, अगर आपसे कोई प्रिज्म का आयतन पूछे तो आप कहना कि भाई आधार का क्षेत्रफल, जैसा भी आधार हो, आधार का क्षेत्रफल और इनटू में ऊंचाई। जैसे आधार यहाँ पर त्रिभुजाकार हो, भाई आधार कैसा हो? त्रिभुजाकार हो, ऐसे करके ऊपर को त्रिभुजाकार हो आधार, तो आप इसका क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल बोलेंगे भाई आधार का क्षेत्रफल, आधार त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अब संभाव त्रिभुज होगा तो संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, जो भी इसकी हाइट होगी वो ऊंचाई कर दी जाएगी। ये आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, ये प्रिज्म का आयतन, ये प्रिज्म का क्या होता है? ये आयतन होता है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। और अगर आपसे पिरामिड का आयतन पूछे तो पिरामिड जो है हमारा वो शंकु काम करता है। कैसे काम करता है? शंकु, शंकु पिरामिड जैसे, जिसमें चोन ऊपर होती है। तो पिरामिड का कोई आयतन पूछेगा तो शंकु का आयतन सोचो क्या होता है? एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई? एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एक बटे तीन तो है, पाई आर स्क्वायर क्या है? ये वृत्ताकार आधार है, तो वृत्त का आधार है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या ऊंचाई। तो जो पिरामिड का आयतन होता है वो होता है एक बटे तीन आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, ये पिरामिड का आयतन होता है। अब आधार जैसा होगा वैसा हम लोग आयतन निकालेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो बातें और भी समझ में आएंगी। बस आप ये थ्योरी कंटेस्ट कर लीजिए, जितना बताया वो माइंड पर होना चाहिए, लंग्स पे होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए एक एक पॉइंट। ठीक है, इतना पहले आप हमें क्लियर करके बताइए। ये वाला आज का लेक्चर कन्फर्म कर लेना है, लिख के नोट्स बना के, और ठीक है फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, किसी का कोई चैप्टर रह गया हो या कुछ भी पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बाकी फेसबुक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।